हीलिंग की पूरी सब आए थे। दूसरा है कि हमने आपको कमजोर ना, तीसरा है कि भारत गरीब है, चौथा है कि हम लोग गरीब थे, टीका हो लेकिन गरीब भी अलग अलग मौसम लोग जो बाहर जाके पैसे तुरंत बन जाते हैं इस देश में सिर्फ पॉजिटिविटी पा रहा धर्म जा रहा है, आपके संस्कार भगवानों के फसल हमारे पास बच्चे कम पैदा, मैंने भी कम पाया पहले मेरे चार नहीं मैंने रोक सब लोगों को बच्चे कम पैदा तो आपके हिसाब से स्वच्छता और पॉल्यूशन और जो थॉट जो हमारे इंडियन का है वो सुधर जाना चाहिए। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आपकी स्वच्छता अभियान का एक वीडियो लॉन्च हुआ है उसमें भी आप चल रहे थे, तो आपको क्या लगता है बहुत हमारे फिल्मों से लोग जैसे मैं अपनी चीजें फिल्मों से सीखा बचपन पढ़ाई करता रहा पापा लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत सारे लेसन मिली और उन्होंने सिनेमा को भी अपना एक पिक्चर बना इस तरह से बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, बहुत सारे लोग सबसे पहले बात है प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिकमेंड किया कि कोई इसमें जानती कि बहुत इंटरटेनिंग और बहुत ऑनेस्टली बहुत वंडरफुल है कि पी एम साहब ने इसको कम समय में हार्डली 6-7 hours में फिनिश मॉर्निंग टी मतलब इतने मोस्टली क्विक टाइम प्लान वेरी वेल और हम कहीं शूटिंग को तेलुगु फिल्म वहाँ से फ्लाई डाउन करके उसको शूट किया और वापस चले वो सब अन्ना जी हो प्रदीप सरकार दादा हो अमित जी जितने भी कलाकार और सब तो हम से हम सारे लोग निःशुल्क हमें निःशुल्क हमें ऐसा फीस नहीं अपने देश के प्रति प्राइम मिनिस्टर साहब के थॉट के प्रति और मैं चाहूँगा कि हम बुला उठाना भी टैक्स तो पे करके लौटा ही रहे लेकिन दूसरी भी चुनी जैसे कि आपने जो वीडियो बनाया वीडियो जो बनाया गया उसमें काफ़ी रिलीज है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी ली है क्योंकि इसमें उनको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को ज़्यादा इसके अंदर शो किया है आप क्या कहेंगे अच्छी 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 एक हिसाब से मैं लक्ष्मी जी चले गए जो कि बचपन से हमारे पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी सब बताते हैं हमारे पुरखे बताते हैं घर क्लीनलीनेस सिर्फ शायद गंदगी रहती वहाँ शैतान रहता शैतानों का पास होता है जहाँ गंदगी साफ सफाई करना लक्ष्मी जी चली जाती दिवाली में इसलिए घर पूछते पेंट करके वाय लक्ष्मी जी आए और वो वहाँ बसे नेमिंग है कि लक्ष्मी जी बहुत चंचल चंचल थे वो रुकती नहीं उनको रोकना पड़ता कि पैरों को बांधना साफ सफाई से पूजा पाठ से धुआं पत्नी से हमारे वेदों पुराणों में उसी को विजुअली दर्शाया गया सो देर इज नथिंग उन्होंने बहुत सम्मान दिया मैं स्वामी तो गलती नहीं करते पता चला अभी को फिल्म में मिलना पड़ गया है तो गलत तो अपमान तो कोई कर नहीं सकता लक्ष्मी जी आप क्या कहेंगे रिलीजियस ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी इसके कि इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी का कोई कारण लक्ष्मी जी एक स्वरूप है आप उसको अलग एंगल पे लेके जा रहे हैं इस कॉन्ट्रोवर्सी का सोच भी है लक्ष्मी जी आज किस घर में नहीं चाहिए लक्ष्मी जी का वास किसको नहीं चाहिए आप हिंदू बोले मुसलमान बोले सिख बोले
सबको लक्ष्मण जी की आवाज़ थी, हमने वही उसमें कोशिश की पिक्चराइज करने की। अभी उस जब उस मॉड्यूल को आप बनाते हो, मैं उसमें अलग अलग देख देता हूँ कि तो नहीं बैठा सकता हूँ। बेसिकली थॉट था लक्ष्मी माँ। अब लक्ष्मी माँ मतलब वो माँ जो सबको पैसे देती है, तो उसका एक अलग एंगल लेना कि भाई हमने किसी पर्टिकुलर मज़हब को लेके किया है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। रवि जी ने भी उस पर क्लियर कहा आपसे, देखिए लक्ष्मी माँ का वास हर किसी को प्यारा है। लक्ष्मी माँ इतनी चंचल है कि अगर सफाई नहीं रखी जाए, एक थॉट जैसे हमारे पूर्वजों ने भी बड़ों ने जैसा भी रवि भाई साहब ने भी कहा, यही सिखाया हमको और आज तक सीखते आ रहे हो, वही चीज़ चली आ रही है। डेफिनेटली ये हर मज़हब में है, तो इसको इस चीज़ से ना जोड़ें कि एक पर्टिकुलर एक कौम के लिए बनाई गई है। ये एक आम हिंदुस्तानी के लिए है, आवाम के लिए है, किसी पर्टिकुलर एक कौम के लिए नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि असली फीलिंग आनी चाहिए स्वच्छता को लेकर, चलो लक्ष्मी आएगी तभी साफ सफाई रखें। देखिए ये कहना आपका दुरुस्त नहीं है। आज इस मुहिम को आज मोदी जी कब से बात कर रहे हैं, हमें बोला इसको अलग थोड़ा सा इंटरेस्ट दें, लोगों को जोड़ें। जैसा रवि भाई साहब ने कहा, बॉलीवुड एक माध्यम है लोगों के साथ जुड़ने का। लाइकवाइज भगवान, इंसान भगवान से पक्का डरता है, और किसी की भाषा नहीं समझता रवि भाई साहब। तो वो एक थॉट था कि इसको हम इसको एक कल्टिवेट करें, पिक्चराइज करें, इस वजह से इसको इस तरीके से आगे ले आए कि थोड़ा सा खौफ पैदा करें कि आम आदमी में कि भाई सफाई रखो, घर में नहीं आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में, पूरे देश में, इस तरीके से इसको सोचा जाए। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर और कौन सी चीज़ें जिनसे आप चाहते हैं कि मैं देखो, मैं सिनेमा वाला हूँ, 400 फिल्में की हैं, मैं सिनेमा की भाषा ही जानता हूँ। मैं सिनेमा में अपनी प्रोडक्शन भी होती है, फिल्म भी बनाता हूँ, तो उसमें इसके थॉट्स को जरूर डालू। मुझे थॉट बहुत पसंद आया, प्राइम मिनिस्टर थॉट मुझे बहुत टच किया। मैंने गंदगी को गंगा जी में बहुत देखी, मैं गंगा जी में मैं स्विमिंग वहीं सीखा हूँ, गंगा जी में तैरी हूँ, मैं गंदगी के कारण जाता हूँ शौचालय में। अगर कुछ लोगों को भी हम बदल देते हैं तो आप हमारा प्रयास हम लोग सफल हो जाएंगे। भाई आगे मत जाना, कचरा फेंकते भी नहीं जाते, शायद बिस्तरी का बॉटल फेंक देते थे, अब वो थॉट नहीं जाता, वो उसको हम रखे रहते हैं नेचुरली, वो बोलने लगता है तो डज इट लाइक हैमर्स यू, और आप उसमें जल्दी से हम लोग सफाई में भी सफल हो जाए, अभियान में भी सफल हो जाए, फिर कोई नया अटैक रहेगा जहाँ से इस देश को बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। रवि जी आप काफ़ी पॉपुलर हैं, आप अपनी फिल्मों के जरिए से आपने ये वीडियो में आपने एक इनिशिएटिव दिया, आने वाले समय अपनी फिल्मों के जरिए मैसेज को आप किस तरह से इसको डेफिनेटली ला रहा हूँ, बोलूँगा बोलूँगा कहीं से बोलूँगा, मैंने नहीं कहा है या तो फिर मैंने सफाई नहीं किया, मैंने कोई कचरा फेंक दिया कहीं केले के छिलके फेंक दिए, उनको डिस्कवा दूँगा और वहाँ डायलॉग बोल दें सुन रहे नहीं, बहुत हज़ारों थॉट हैं बैठे बैठे बना सकते हैं काम है। सो यस आई विल कंटिन्यू, बट ये नहीं कि साइड के साथ ये मेरा प्रयास रुक जाएगा। हमने ये जो शुरुआत की भाई भाई साहब ने की है या मैम साहब ने की है, वी कंटिन्यू अपने अपने तौर से। द फैक्ट इज देखिए मोदी जी जिक्र करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ, इसमें टारगेट यूथ होगा, यूथ टुडे इज अ पावर हाउस। आज 65-70% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडिया, आप यूथ को एजुकेट करो प्रॉपरली, दिस कंट्री विल शाइन लाइक एनीथिंग, और वही फोकस है। मैं आपको बताऊँ, छोटा सा उदाहरण है, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं लगी आपको, मेरा अपना बेटा जो 15 साल का है वो मुझे एजुकेशन क्लासेस देगा सफाई के ऊपर। तो ये एक दौर है, आने वाले दिनों में आप पक्का देखेंगे कि विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स टू कम, जो आज हम थ्रू आउट द वर्ल्ड देखते हैं जो सफाई देखते हैं, शायद लोग हिंदुस्तान की बात करेंगे यार सफाई देखिए तो हिंदुस्तान। ओके
एक आखिरी मैसेज आप देना चाहते हैं जिंदगी झंडवा फिर भी हम झंडवा रॉक जय अल्लाह माय गॉड।